नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे आघासुर की वध की कथा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे यार, देखना नहीं सुनना है। अब ये मत कहना कि हमें नहीं मालूम कि आघासुर कौन है। सच में नहीं मालूम? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि आघासुर कौन था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आघासुर एक असुर था, मतलब राक्षस, जो कि पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आघासुर को भेजा था। अच्छा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गाय और बछड़ों को चराने के लिए जंगल में गए हुए थे, जैसा कि वो हमेशा जाया करते थे। उन लोगों ने बछड़ों और गायों को हरी हरी घास के पास चरने के लिए छोड़कर खुद खेलने में व्यस्त हो गए। जब वो लोग खेल कूद में व्यस्त थे, तभी वहां पर आघासुर आया। इस बार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने भगवान को मारने के लिए आघासुर को भेजा था। सच में मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य अपने अहंकार में इतना भी अंधा कैसे हो सकता है कि उसको इतना भी नहीं पता चल पाता है कि सामने वाला कौन है। स्वयं परम पिता को मारने के लिए उनको भेज रहा है, जिनकी सांसें भी भगवान की इच्छा से चल रही हैं। आघासुर ने भगवान और उनके मित्रों को मारने के लिए रास्ते में एक बहुत बड़े अजगर का रूप बदलकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सो गया। जब भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने उस खुले हुए मुंह को देखा तो उन लोगों को लगा कि किसी पहाड़ की गुफा है। फिर क्या था, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि गुफा के अंदर क्या है, चलो देखते हैं। और वो लोग गुफा के अंदर, मतलब आघासुर के मुंह में घुस गए। उनके पीछे पीछे उनकी गाय और बछड़े भी आघासुर के मुंह में घुसते चले गए। आघासुर यही तो चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी वहां पहुंचे नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को और गाय बछड़ों को आघासुर के मुंह में जाते देख लिया था। भगवान को तो सब कुछ मालूम था कि ये एक राक्षस है और ये मुझे मारने के लिए आया है। भगवान चाहते तो आघासुर को उसी समय मार सकते थे जब वो उस जगह पर आया था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर मैसेज छुपा हुआ है। हम पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आघासुर है ना, वो पाप का स्वरूप है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो कैसे? दुनिया की लुभावनी और आकर्षणों में व्यक्ति कब अनजाने में पाप के मुंह में चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। पाप करने से आदमी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत। उसकी जो सोचने समझने की शक्ति, विवेक, सब कुछ काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा ही हमें वहां से निकाल सकती है। जी हाँ, जो हमेशा भगवान को साथ में रखता है, हमेशा भगवान का नाम जपता है, पाप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भक्तों को भगवान खुद वहां से निकाल कर बाहर लाते हैं। भगवान पर जो निर्भर रहता है, भगवान पर जो भरोसा करता है, भगवान उसका कितना ध्यान रखते हैं, आप लोग इस आघासुर की कथा से समझ जाएंगे। अब वापस आते हैं हमारी कहानी पर। जब गाय, बछड़े और भगवान श्री कृष्ण के मित्र खेलते खेलते आघासुर के मुंह में चले गए, तब भगवान ने अपने दोस्तों और गाय बछड़ों की जान बचाने के लिए उस आघासुर के पेट में घुस गए और अंदर जाकर उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि आघासुर का पेट फट गया, जिसकी वजह से उसकी जान निकल गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालकों को जिंदा कर दिया और सबको साथ में लेकर आघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। जैसा कि भागवतकार लिखते हैं कि जो भगवान पर निर्भर होता है, भगवान उसे स्वयं वहां से बाहर निकालते हैं और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो दोस्तों यह थी आघासुर के वध की कथा। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।